हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडीसी एडिटर के मेडिसिन सीरीज में। आज की हमारी मेडिसिन होने वाली है सीफिक्स 200 एमजी टैबलेट। जी हाँ, सीफिक्स 200 एमजी टैबलेट बहुत अच्छी मानी जाती है कान नाक गले के इन्फेक्शन के लिए, लंग्स के इन्फेक्शन के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के, यूरिनरी ट्रैक के और बॉडी में अलग अलग जहां पे इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये टेबलेट दी जाती है। ये एक तरह से बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक मानी जाती है और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सीफिक्स 200 एमजी में कंटेंट क्या होता है, क्या इसका यूजेस है, क्या साइड इफेक्ट, क्या प्रिकॉशन, मतलब इस टेबलेट के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट कर देते हैं डियर इस टैबलेट की जानकारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका कंस्टिट्यूएंट होगा। जी हाँ, सीफिक्स टैबलेट में सीफिक्सिम होता है जो कि 200 एमजी के अमाउंट में इसमें मिला हुआ होता है। प्राइस की बात कर ले तो 120 रुपए 10 टैबलेट का इसका अमाउंट होगा। कंपनी जो बनाती है वो है सिप्ला लिमिटेड और इसको 30 डिग्री के बिलो स्टोर किया जाता है। बात करेंगे डियर इसके यूजेस की तो अलग अलग प्रकार की जो बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं उसमें दी जाती है। जैसे आपका गोनोरिया जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसमें दी जाती है, टॉन्सिल में दी जाती है, ईयर के इन्फेक्शन में दी जाएगी, गाल ब्लेडर बिलरी इन्फेक्शन में दी जाएगी, यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन है उसमें दी जाती है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक में, लंग्स में, अलग अलग जहां पे इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये सीफिक्सिम टैबलेट क्या की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करेंगे इसके डोजेस की तो इसका जो डोज होगा वो आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद होना चाहिए। बात करेंगे एडल्ट डोज की तो 1 से 2 टैबलेट पर डे इसको लिखा जाता है और इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो भी आपके डॉक्टर फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग ही माना जाता है और इस टैबलेट को खाने के बाद ही लेना चाहिए। बात करेंगे डियर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो जो सीफिक्सिम टैबलेट होता है वो 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के कैटेगरी में फॉल करता है और ये मेनली बैक्टीरिया को कैसे किल करता है, उसके सेल वॉल फॉर्मेशन को ही प्रिवेंट करता है या इनहिबिट कर देता है, जिससे सेल वॉल ही नहीं बनेगा, जिससे कि बैक्टीरिया किल हो जाएगा और आपका इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। बात करेंगे डियर साइड इफेक्ट की तो कुछ साइड इफेक्ट इसके जैसे डायरिया की कंडीशन आ सकती है, फ्रिक्वेंट स्टूल की कंडीशन, डिजीनेस या नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी कंडीशन इससे उत्पन्न हो सकती है। बात करेंगे डियर कुछ प्रिकॉशन की तो जो रीनल वाले डिजीज है, जो किडनी वाले, लिवर वाले डिजीज वाले पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं या हमारी ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, उनको इस दवा को लेते वक्त अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपकी सीफिक्स 200 एमजी। जी हाँ, जिसमें कि सीफिक्सिम एज अ कंस्टिट्यूएंट मिला होता है और ये कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। इस टैबलेट की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली मेडिसिन किसके बारे में आपको जानकारी दें उसको भी जरूर बताइएगा। और वीडियो की जानकारी और मेडिसिन की जानकारी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।